ही प्यारा रेलवे स्टेशन है देखो ना, चारों तरफ दूर दूर तक पूरा खाली मैदान है और उसके बीच में स्टेशन है। हमने सुधा का लस्सी खरीदा, देखो कैसे यहाँ पे MRP जो है ना वो मिटा दिया गया है। माता वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या के बीच चलने वाली कामाख्या कटरा एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों फिलहाल मैं क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और आज हम यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं जनसेवा एक्सप्रेस, भागलपुर से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस में। चलिए, निर्धारित समय से लगभग आधा घंटे की देरी से हमारी ट्रेन जो है ना क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाई जा रही है। चलिए, वहाँ लग रही है पटना से एर्नाकुलम के बीच में चलने वाली पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस जो एर्नाकुलम की तरफ जा रही है। इसकी ट्रेन नंबर की बात करें तो 13419 भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस। भाई साहब, ये ट्रेन जो ना रोजाना चलती है भागलपुर से दोपहर के 2:10 में, अब आपको पहुंचाती है सेम डे रात के लगभग 8:40 पे मुजफ्फरपुर जंक्शन। और टोटल ये ट्रेन जो ना टोटल 240 किलोमीटर का जर्नी जो ना वो कवर करती है अपनी यात्रा के दौरान। चलिए, क्यूल से हमारा सिग्नल जो है ना वो हो चुका है, यहाँ तक इस ट्रेन ने लगभग 100 किलोमीटर का जर्नी जो है ना वो कवर कर लिया। क्यूल में इसकी सिर्फ 2 मिनट की हॉल्ट थी। आज की सीट दिखा दे आपने स्लीपर क्लास की, तो ये रही हमारी आज की सीट 7 नंबर और 8 नंबर। पूरी जर्नी जो है ना हम मुजफ्फरपुर जंक्शन तक करेंगे। अगले हॉल लक्की सराय। चलिए, हमारी ट्रेन जो है ना 100 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो कवर कर चुकी है और हम पहुंच चुके हैं लक्की सराय रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा जो हॉल्ट है लगभग 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद लक्की सराय से हमारी डिपार्चर जो है ना वो हो चुका है। अब हम दानापुर डिवीजन में जो है ना वो एंटर कर चुके हैं। दो मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर जो है ना बढ़िया से हो चुकी है। स्टेशन कोड की बात बोले तो BRY है और यहाँ तक हमारी ट्रेन ने यानी 116 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो कवर कर लिया है। तो डिपार्चर हो रही है बढ़िया से हमारी और लगभग यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, लगभग 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है बट काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ से ग्रीनरी है। बढ़िया भाई साहब, ICF का साउंड जो है ना मेरा सबसे फेवरेट है। मैंने आपको तिरहुत एक्सप्रेस वाला वीडियो में बताया था, मेरा फेवरेट साउंड जो है ICF का है,
बहुत ही अच्छा लगता है भाई, जो कट कट साउंड आता है ना ट्रैक का, बहुत ज़बरदस्त। आपको कैसा लगता है ICF का साउंड, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल व्यू देखिए, काफ़ी प्यारा सा सनसेट जो है ना, वो हो रहा है फिलहाल। और लगभग टेम्परेचर की बात करें, हम बरेगा से निकलने के बाद, वही तो लगभग 30-31 डिग्री सेल्सियस है। समय लगभग शाम के 5:05 हो चुके हैं भाई साहब। कितना ही प्यारा सनसेट हो रहा है यार, गोल्डन टाइम भाई, इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। देखिए बारिश हो रही है भाई, धूप में बारिश, देखिए। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, पर धूप में बारिश हो रहा है, हल्की हल्की बारिश जो है ना वो हो रही है। हम अपने अनऑफिशियल हॉल्ट रामपुर डुमरा जंक्शन में पहुंच चुके हैं भाई साहब। ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन है ना मुकामा के होते, मुकामा होते हुए पटना की तरफ चली जाती है, और एक लाइन जो है ना अपनी बरौनी की तरफ चली जाती है भाई साहब। क्या ही प्यारा रेलवे स्टेशन है, देखो ना चारों तरफ दूर दूर तक पूरा खाली मैदान है, और उसके बीच में स्टेशन है। रामपुर डुमरा जंक्शन से हमारा डिपार्चर जो है ना, अनऑफिशियल हॉल था हमारा है, पर डिपार्चर जो है ना लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद वो हो चुका है। और ये प्यारा सा सनसेट भाई, क्या ही लग रहा है। और ये रामपुर डुमरा का बोर्ड, भाई साहब ये कर्व देखिए, मेरा फेवरेट कर्व, मैंने आपको बहुत सारा वीडियोस में दिखाया, पूर्वांचल वाला होगा, पूर्वांचल वाला वीडियो या फिर मिथिला वाला वीडियो, ये वाला कर्व बरौनी से पहले काफ़ी अच्छा लगता है भाई देखने में। चलिए नीचे जो आपको वाला दिख रहा है ना, वो रेड रेड, वो है हाथीदा जंक्शन, जो जाती है मोकामा की तरफ। सिग्नल क्लियर होने का, ताकि हाथीदा पुल जो है, राजेंद्र पुल जो है वो क्रॉस कर पाए ट्रेन। काफी बार मैंने इस ट्रेन में जर्नी करा है, आप लोग देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी होम टाउन की ट्रेन है भाई ये। चलो हमेशा की तरह जनरल कंपार्टमेंट पूरा भरी हुई भाई मिथिला की। चलिए सामने खड़ी हुई है बरौनी अहमदाबाद क्लोन हमसफर एक्सप्रेस। निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है ना बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आकर खड़ी हो चुकी है। यहाँ तक हमारी ट्रेन ने लगभग 138 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो कवर कर लिया है भाई। और स्टेशन कोड की बात करें हम लोग बरौनी की, तो वो है BJU। अनगिनत बार हमने यहाँ से जर्नी जो है ना वो कवर करा है।
फिर देख लीजिए कुछ ऐसा है बरौनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8। हालांकि पहली बार मैं अभी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आया हूँ और मैं ढूंढ रहा था सुधा का पार्लर जो है मिल्क पार्लर सुधा वाला बिहार का जो फेमस है, नहीं मिला भाई। पूछा किसी से, बोला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, काफ़ी दूर है, जाऊँगा तो भाई रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। फिलहाल बरौनी में अपनी हॉल्ट की बात करें तो लगभग जो है ना 10 मिनट की हॉल्ट जो है ना वो हमारी बरौनी में है। हमने 2 मैंगो फ्रूटी जो है ना वो ले लिया भाई, गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा बरौनी में। चलिए निर्धारित समय से 10 मिनट के देरी से हमारा सिग्नल जो है ना बरौनी से हो चुका है। चलिए 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है। 10 मिनट की हालांकि हॉल्ट यहाँ पे नहीं थी हमारी, लगभग 20 मिनट ट्रेन खड़ी रही। ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या के बीच चलने वाली कामाख्या कटरा एक्सप्रेस। भाई साहब ये कटरा से अभी कामाख्या के बीच अभी कामाख्या के लिए जा रही है भाई, काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है भाई ये। मन है भाई मेरा अभी कामाख्या या फिर कटरा तक जाने का, होपफुली इन फ्यूचर। ये पॉइंट देखो भाई, कामाख्या कटरा एक्सप्रेस। जस्ट अभी ये जैसे हमने बरौनी क्रॉस करा है, हमने सुधा का लस्सी खरीदा। देखो कैसे यहाँ पे MRP जो है ना वो मिटा दिया गया है। हालांकि मेरे को पता है इसका दाम 12 रुपये, बट भैया ने 20 रुपये चार्ज किया। मैंने बोला अभी तो बोला 180 ग्राम है। निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी से मेरी ट्रेन जो है ना समस्तीपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आकर लग चुकी है और डिपार्चर भी हो चुका है भाई। चलिए आधे घंटे की देरी से हमारा डिपार्चर जो है ना समस्तीपुर से हो चुका है। यहाँ तक हमने लगभग 190 किलोमीटर का जर्नी जो है ना वो कवर कर लिया है। शाम के लगभग 7:40 हो चुके हैं। हम समय से लगभग आधे घंटे की देरी से चल रहे हैं। जो है ना वो चल रहे हैं। अब समस्तीपुर हमने क्रॉस कर लिया। अब आखिरी स्टेशन जो है ना मतलब डिबोर्डिंग स्टेशन हमारा मुजफ्फरपुर जो है ना, लगभग और आधा घंटे यहाँ से लगना चाहिए, आधे से 1 घंटा जो है ना वो लगना चाहिए। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 8:20 का जो है ना वो एक्चुअल हमारा अराइवल टाइम है मुजफ्फरपुर में। ये देखने वाली बात रहेगी कब तक हम पहुँचते हैं। फिलहाल उससे पहले मुजफ्फरपुर पहुँचने से पहले आपको मैं कोच का हाल जो है ना वो दिखा दूँ एक बार। देख लीजिए कुछ ऐसा है वॉश बेसिन इस जनसेवा एक्सप्रेस का, और दिखाया था मैंने सीट्स वगैरह आपका। पूरी तरह से जो ट्रेन है ना वो खाली हो चुकी है। इस तरह अपने संजीव भैया बैठे हुए हैं और ये रहा पूरा कोच कंपटीशन की बात करें हम इस जनसेवा एक्सप्रेस में, तो 3 स्लीपर कोच मिलेगी और 1 थर्ड एसी के कोच, और बाकी सब जो है ना आपको जनरल क्लास मिल जाएगी। चलिए ये है अमृतसर जयनगर जननायक एक्सप्रेस। चलिए निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से, यानी कि रात के 8:45 हो रहे हैं और 40 का अराइवल था यहाँ पे। हम पहुँच रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर
5 पे। सामने खड़ी है पवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ये है जनसाधारण मुजफ्फरपुर साबरमती। एक शेयरिंग है भाई, वही जनसाधारण सेम है, मुजफ्फरपुर और हावड़ा वाली और ये साबरमती वाली। सब 240 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी ट्रेन जो है ना पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और यहाँ पे ट्रेन जो है ना टर्मिनेट हो जाती है। फिलहाल अभी यहीं से खुल के जाएगी ये भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस, अभी जस्ट यहाँ से कुछ देर बाद जो है खुल के जाएगी भागलपुर के लिए। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके है ना ज़रूर बता। बात कर ले फेयर का तो हमने पे किया है लगभग 165 रुपये क्यूल से मुजफ्फरपुर तक का, और अब क्यूल से मुजफ्फरपुर तक आप थर्ड ए सी से आना चाहते हैं तो लगभग 505 रुपये के आसपास जो है ना वो फेयर बनता है। वीडियो कैसा आया लगा नीचे कमेंट करके है ना ज़रूर बताइए। काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है वो भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी एक्साइटिंग ट्रेन जर्नीज़ के साथ किसी नई शहर के किसी नई गलियों में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।